दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धर्म की। धर्म जो ईसा से भी 10,000 साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक का पुराना माना जाता है। धर्म की अवधारणा को और इस अवधारणा का जन्म स्थल इसी भारतवर्ष को माना जाता है। लेकिन जो धर्म का मूल स्वरूप था, जो मूल स्वरूप वेदों में उपनिषदों में आता है, क्या धर्म के उस रूप को पूरी तरह से बदल दिया गया कालांतर में? धर्म क्या था और क्या हो गया, क्या बना दिया गया, इसके पीछे किन लोगों के स्वार्थ रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। प्राचीन धर्म जिसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना और सत्य के प्रति प्रेरित करना था, बाद में उसी धर्म में के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां जोड़ी गईं जो कहीं से भी तर्क संगत और सत्य पहली दृष्टि में पहली नज़र में नज़र नहीं आती। अगर हमें धर्म को समझना है और इसके मूल अर्थ में समझना है तो हमें उन्हीं प्राचीन किताबों की ओर, दुनिया की प्राचीन किताबों की ओर लौटना होगा कि वो धर्म को क्या बताती हैं और कालांतर में धर्म को क्या कर दिया गया। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से बताई जाती है और ध्री का अर्थ है धारण करना। ध्रियते, धार्यते, सेवते इति धर्म। तो धर्म की बड़ी खूबसूरत व्याख्या जो है हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है कि जो धारण किया जाता है, धारण करने के योग्य है और जो सेवा सिखाता है वही धर्म है। धर्म को लेकर हमारे उपनिषदों में काफ़ी कुछ कहा गया है और बहुत स्पष्ट तरीके से इसे समझाया गया है। इसमें कोई बहुत अविश्वसनीय कथाएं नहीं हैं, बहुत सीधे सरल शब्दों में धर्म को समझाया गया है। कोई चमत्कार उसमें नहीं है, वो धर्म की वो जो मूल व्याख्या अवधारणा वो किसी चमत्कार से प्रेरित नहीं है, वो सीधे सीधे मनुष्य को शिक्षित करने और सत्य की ओर प्रेरित करने की बात करती है। हम बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे ब्राह्मण की 14वीं कंडिका से एक श्लोक आपको बताते हैं जो ये बताता है कि धर्म क्या है। वे ये स धर्मे वे तत् सत्यम तस्मात् सत्यम वदन्तम् आहु धर्मम वदति वदति। अर्थात निश्चय जो धर्म है वह सत्य है, इसलिए सत्य बोलते हुए कहते हैं कि धर्म कहता है। साफ साफ लिखा गया है, बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है कि जो सत्य है उसके लिए कहा जाता है कि ये धर्म कहता है। सत्य ही धर्म है, लेकिन बाद में धर्म के नाम पर जो जो कहानियां जोड़ी गईं वो पहली नज़र में उन पर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा किसी एक धर्म में नहीं हुआ, सभी धर्मों में ऐसी कहानियां बाद में जोड़ी गईं। और वो किन लोगों ने जोड़ी और धर्म की व्याख्या को किन लोगों ने अपवित्र कर दिया, जिसकी वजह से धर्म के नाम पर कालांतर में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, अलग अलग बहुत से धर्म खड़े हो गए, जबकि धर्म का उद्देश्य एक था, सबको ईश्वर की शिक्षा के अनुरूप साक्षर करना। बृहदारण्यक उपनिषद के इस विचार की पुष्टि ईशो उपनिषद से भी होती है। ईशो उपनिषद में भी 15वें श्लोक में कुछ ऐसा ही कहा गया है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यास्यापि मुखम तत्त्वं पूषणा पावगुणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात सत्य का मुख सुवर्ण के पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, उस सत्य धर्म के दिखाई देने के लिए तू उस आवरण को हटा दे। यानी जो प्रलोभन और झूठ का जो स्वर्ण पात्र से सत्य को ढकने की कोशिश की जाती है, आह्वान किया गया है कि हे पूषण, हे धर्म पर चलने वाले, तू पहले उस आवरण को हटा, तब तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे और वही धर्म है। इसी तरह से ऋग्वेद में धर्म का उद्देश्य शिक्षा बताया गया है, मनुष्य को शिक्षित करना, उसकी संततियों को शिक्षित करना, ताकि वो समाज के प्रति अधिक उपयोगी बन सकें। मगर कालांतर में इस अर्थ को बदल दिया गया। सत्ता के लोभी लोगों ने
इसमें बहुत से अनर्थ जोड़ दिए और धर्म जो है अंधविश्वासों से भर गया, एक दूसरे के खिलाफ नफरत से भर दिया गया धर्म को। ऋग्वेद और उपनिषदों के बाद हम और आगे की तरफ आते हैं, मनुस्मृति के काल में आते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 107वें श्लोक में धर्म की व्याख्या किस तरह से की गई है। इसमें बताया गया है, धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यस्य तर्केण अनुसंधते स धर्मे वेदनेतर, अर्थात जिसे तर्क और सत्य से अनुसंधानित किया जा सके, यानी कि तर्क और सत्य से सही ठहराया जा सके, वही धर्म है, जो श्रेष्ठ है और जो वेद के अनुरूप है वही धर्म है। तो जहाँ धर्म की ऐसी सुंदर व्याख्या है कि जो तर्क के अनुरूप है, जो सत्य है वही धर्म है, तो जब इतने स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि जो तार्किक है, सत्य है, वही धर्म है, तो फिर धर्म में ऐसी अतार्किक बातें कहाँ से आ गईं? ये सत्ता में बैठे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जोड़ी, उनमें नई नई तरह की कहानियाँ जोड़ी गईं, और यही वजह है कि धर्म का विकृत रूप इस तरह का बन गया कि जिस धर्म को लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए बनाया गया था, वो लोगों को लड़वाने के काम आने लगा। और सिर्फ मनुस्मृति के काल तक ही नहीं, हम और आगे आते हैं, अशोक के समय में आते हैं। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख और स्तंभ लेख खुदवाए, लिखवाए और लगवाए, जिनमें उन्होंने अपनी राजाज्ञाओं का वर्णन किया है। और इन राजाज्ञाओं में जो उनका दूसरा स्तंभ है, उसमें धर्म के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। ये दूसरा स्तंभ अम्बाला के टोपरा के पास था, जिसे फिरोज शाह तुगलक उठवा कर दिल्ली ले आया था, और यह अब फिरोज शाह कोटला में है। इस स्तंभ पर जो राजाज्ञा 2 लिखी गई है, उसमें धर्म का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसमें अशोक की तरफ से लिखा गया है, देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, धर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म क्या है? पापों का अभाव, अच्छा काम, दया, दान, सत्य, पवित्रता ही धर्म है। तो धर्म के जो प्राचीन गुण बताए गए हैं, तो क्या ये आज जो धर्म कहता है, एक दूसरे समुदाय के बारे में जो कहता है, क्या ये उसके अनुरूप है? तो ये जो नई व्याख्याएं हैं, ये किसने डाल दी हैं, ये किन लोगों ने डाल दी हैं? तो इस पर हमने आपको पहले भी बताया कि ये सत्ता में बैठे लोग समय समय पर इस तरह के प्रयोग करते हैं, वो धर्म का इस्तेमाल खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए करते हैं, और वो बहुत से झूठ गढ़ते हैं और उन झूठ को धर्म कहकर प्रचारित करते हैं। तो जहाँ तक ऋग्वेद में धर्म की बात है, तो ऋग्वेद में धर्म की व्याख्या अनेक ईश्वरवाद से एक ईश्वरवाद की ओर चलती है। इसमें 33 देवताओं का, प्रमुख देवताओं का वर्णन आता है, और ये 33 देवता 3 कोटियों में बटे हुए हैं, 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। इन तीनों श्रेणियों को आप किसी को भी पहली श्रेणी मान सकते हैं। तो जो पहली श्रेणी हम मान रहे हैं, वो पृथ्वी कोटि के या पृथ्वी श्रेणी के देवता हैं, दूसरी अंतरिक्ष कोटि के, और तीसरे द्योग स्थान कोटि के देवता हैं। तो पृथ्वी श्रेणी के जो प्रमुख देवता हैं, उनमें आपका पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, सरस्वती और सप्त नदियां हैं। अंतरिक्ष स्थानीय कोटि के जो देवता बताए गए हैं ऋग्वेद में, उनमें इंद्र है, मारुत है, रुद्र है, वायु है, पर्जन्य है, मातृश्वन है, त्रय पर्याप्त है, अजय एक पाद है, आप है, अहबूर्धन्य है। इसी तरह धूस्थानीय कोटि के देवताओं में सूर्य, द्योस, वरण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपानपात, सविता, त्रय, बिंबस्वत, आदित्य गग और अश्वनी द्वय आते हैं। तो जाहिर है कि धर्म की जो अवधारणा है, मूल अवधारणा है, वो लोगों को शिक्षित करना था, और यही शिक्षा की भी अवधारणा है।
शिक्षा की भी यही अवधारणा है जो आधुनिक अवधारणा है कि लोग शिक्षित हों, समाज में खुद को विकसित करें, समाज विकसित हो और समाज के लिए उपयोगी बने। यही अवधारणा धर्म की थी, वैदिक धर्म की यही अवधारणा थी कि लोग शिक्षित हों और समाज के लिए उपयोगी बने, ना कि लोग समाज में अंधविश्वासों का शिकार बने और नए नए तरह के झगड़े पैदा करें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करें। ये धर्म का उद्देश्य कभी नहीं रहा, ये सत्ता में बैठे लोगों का उद्देश्य था और इस सब से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें धर्म के मूल उद्देश्य पर चलते हुए अपनी शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और विषय पर। धन्यवाद।